कुंडली भाग्य के आने वाले एपिसोड में काफी ज्यादा बड़ा ट्विस्ट आएगा, जिसमें यहाँ पर एक बार सबसे बड़ी प्रॉब्लम में फंसते हुए नजर आने वाला है शौर्य, क्योंकि शौर्य को यहाँ पर अब पलकी की तरफ से और बाकी दूसरे लोगों की तरफ से क्रिटिसिज्म सहना पड़ेगा। उसके दोस्त आए हैं जो कि अब यहाँ पर काफी ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करते हुए नजर आएंगे। शौर्य के मन में कई सारी बातें आएंगी जो कि यहाँ पर नेगेटिव रहेंगी, और साथ ही साथ यहाँ पर निधि का गुस्सा और भी ज्यादा हावी हो जाएगा। तब जब यहाँ पर निधि के सामने की सच्चाई की आखिर में यहां पर प्रीतक और उसके साथ साथ राजवीर अब इसी घर के अंदर रहेंगे, करण उन्हें जिद करके वापस ले आया है। लेकिन आने वाले एपिसोड में एक और नया ट्विस्ट आएगा जिसे देखकर आप सब चौंक जाएंगे। चलिए सारी बातें आपको बताते हैं क्या होगा खास क्या नहीं, लेकिन इन सभी बातों को बताने से पहले आप सब जल्दी से एक लाइक जरूर कर देना, चैनल पर नए अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि हम आपको ऐसी ही रियल और इंटरेस्टिंग अपडेट हमेशा प्रोवाइड कराते रहते हैं। आने वाले एपिसोड में आप सबको देखने को मिलेगा कि यहां पर जैसे शनाया को पता चलेगा कि आखिर में यहाँ पर शौर्य को बनाया जा रहा है सीईओ, वो भी यहाँ पर लूथरा इंडस्ट्रीज का, तो उसके सामने काफी ज्यादा बड़ी बातें आएंगी। अब वो लूथरा इंडस्ट्रीज का सीईओ वो भी यहाँ पर शौर्य को बनता हुआ नहीं देख सकती, लेकिन क्यों, इसके पीछे भी बहुत बड़ा रीजन है। और आने वाले एपिसोड में राजवीर भी यहाँ पर काफी ज्यादा एग्री करने वाला है यहाँ पर करण की बातों से कि आखिर में यहाँ पर शौर्य को चलो एक बहुत बेहतरीन मौका मिला है खुद को साबित करने का, लेकिन लूथरा इंडस्ट्रीज का क्या होगा। वहीं दूसरी तरफ काव्या वरीड है और काव्या को परेशानी हो रही है कि आखिर में ये सब हो क्या रहा है, जिसके बाद में आने वाले एपिसोड में कुछ बड़ा आने वाला है, जिसमें अब यहाँ पर वरुण के साथ साथ अब एंट्री होने वाली है एक सबसे बड़े विलन यानी अंशुमन पांडे की, एक बार फिर से वो भी यहाँ पर सबसे बड़े बिजनेस राइवल के तौर पर। और इस बार यहाँ पर सीईओ की पोस्ट किसको दी जाएगी, ये सबसे बड़ा सवाल हो रहा है। अभी इसका जवाब तो हमें भी नहीं पता क्योंकि शूटिंग होनी अभी बाकी है। तो आप कितने ज्यादा एक्साइटेड सब देखने के लिए कमेंट करके जरूर बता देना। मिलते हैं नेक्स्ट।